भाषा सिर्फ हमारे संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह संस्कारों की संवाहिका है। भाषा हमारे क्षेत्र परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करती है। हिंदी दिवस के अवसर पर गत 14 और 15 सितंबर को 11वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन का आयोजन भाषा सहोदरी हिंदी न्यास और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। काशी विद्यापीठ के सभागार में हुए इस अधिवेशन में भाग ले रहे वक्ताओं ने राजभाषा हिंदी की स्थिति परिस्थिति पर चर्चा करते हुए बताया। बहुत सारे पूरे भारतवर्ष के साहित्यकार यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और अलग अलग प्रोफेशन से लोग हैं, शिक्षक भी हैं और बहुत तरह के, बहुत सारी हाउसवाइफ भी हैं, होम मेकर भी हैं जो साहित्य का सृजन कर रही हैं। क्योंकि साहित्य सृजन के लिए या हिंदी हमारी मातृभाषा है जैसा मैंने कहा, तो माँ अगर वो आपकी है तो आपके हृदय में बसती है। हिंदी मेरे दिल से जुड़ी है। हिंदी वो भाव है जो किसी से मोल नहीं लिए जाते या किसी से खरीदे, मतलब बोले नहीं जाते, वो खुद से महसूस किए जाते हैं। इसीलिए हिंदी भाषा जो है सबकी प्यारी क्यों है कि छोटे बड़े सबके भावों की भाषा है हिंदी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं भाषा से जुड़ी हूँ, इसकी वजह से मैं बहुत सारे महान भावों से भी जुड़ी हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मैं अध्यापन के तौर पर मैं बच्चों के साथ जुड़ी, तो उनको हिंदी भाषा के सिखाते सिखाते हिंदी भाषा से उन सबको भी बहुत प्यार हो गया है। और मेरा अध्यापन कार्य कम से कम 20 वर्षों से रहा है और उस अध्यापन कार्य में मेरा हिंदी के साथ लगाव बहुत हो गया है। हिंदी एक ऐसी भाषा है कि पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने के लिए, क्योंकि ये जो एक सरल संपर्क की भाषा होती है, जन जन में बसे होती है। और हिंदी को जब हम आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी और आज़ादी के जो बाद में और पूरे राष्ट्र को एक भाषा की ज़रूरत थी, तो उसमें बहुत सारे विद्वानों ने और बहुत सारे जो महाविद्वानों ने यह तय किया कि कौन सी भाषा को अपनाना है। तो सभी की जनमानस में यही भाषा है कि जो हिंदी जो है ये राष्ट्रभाषा अपनाना है। हिंदी अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति आनंद कुमार त्यागी ने अपने संबोधन में हिंदी भाषा पर प्रकाश डालते हुए कहा। मेरे पिताजी मुझे बताते थे जब वो पढ़ते होते थे, 1947 में वो 9th क्लास में थे, तो 9th तक की उन्होंने जितनी भी पढ़ाई की वो उर्दू मीडियम में की। उसके बाद जब वो 11th 12th में आए तो हिंदी लागू की गई। और मैं ये बात गर्व के साथ कह सकता हूं कि उस समय के जो नीति निर्धारक थे, उन्होंने रातों रात विज्ञान की किताबें हिंदी में बनवाई। अभी भी मेरे पास एक पुस्तक संरक्षित है केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की एक पुस्तक मेरे पास अभी तक उनकी संरक्षित है, जो रातों रात उन्होंने लोगों ने हिंदी में लिखवाई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज 75-76 साल बाद हमारे पास रसायन विज्ञान की कोई भी पुस्तक हिंदी में उपलब्ध नहीं है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो लोग उस समय पे जिन्होंने आजादी दिलाई,
उन्होंने तो कुछ महीनों में हिंदी में किताबें लिखवा दी और हम 75 साल में हिंदी में नहीं लिखवा पाए। आप खुद सोच सकते हैं कि हिंदी कितने सशक्त हाथों में है। विशिष्ट अतिथि राजेश कुमार गौतम, कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी दूरदर्शन ने सहोदरी हिंदी न्यास और काशी विद्यापीठ के इस आयोजन की उपयोगिता का महत्व बताते हुए कहा, हिंदी हमारे कई रूपों में है, सब लोग जानते हैं, सारे विद्वान हैं हिंदी को। हिंदी का डाटा मैं लेना चाहता हूँ, कब शुरू हुआ, कब क्या हुआ, सब आपको पता है। हिंदी जो है भारत माता के माथे में हिंदी के समान है, और हमारे समाज में, हमारे परिवार में हिंदी का क्या महत्व है, आप लोग समझ जाते हैं ना, महिला तो समझ नहीं है, पुरुष क्या है ना, कोई सुन ही नहीं रहा मुझे। तो ये कहना कि हिंदी के लिए ये करना है, वो करना है, जापान में, ईरान में, चाइना में, फाइना में, कुछ नहीं, हिंदी जन सामान्य की भाषा है। हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंदी ही बोली जाती है। अभी इलेक्शन हुआ है, कोई बताइए, कोई बोल रहा है अंग्रेजी? बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े साइंटिस्ट, पढ़े लिखे IAS ऑफिसर जो भी, सब लोग जनसामान्य की भाषा बोलते हैं। और हिंदी के लिए मैं तो 34-35 साल नौकरी किया, देश के विभिन्न भवन में काम किया, साउथ से लेकर के नॉर्थ, वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, मुझे हिंदी की कभी दिक्कत नहीं हुई। इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान कई पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। सहोदरी काशी संग्रह, भाषा सहोदरी, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है प्रमुख पुस्तकें थीं। हमारे चारों तरफ जो दिखता है प्राकृतिक वातावरण, यही है पर्यावरण। हमारे चारों तरफ जो दिखता है प्राकृतिक वातावरण, यही है पर्यावरण। देखो ऊपर नीली चादर में लिपटा है आकाश, जिस पर प्रातः काल फैल जाता है सूर्य का नवल प्रकाश। घास पर सुबह सुबह गिरती है ओस की बूंदे, सूर्य की गर्मी से सूखकर वायुमंडल में बन जाती है गैसें। चांदनी रात में टिमटिमाते हैं जो तारे, और कुछ नहीं, ये है गैस के गुब्बारे। और सुनो मेरी अचरज भरी बातें, शीत, जल, पावक, गगन और समीर, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है अपना शरीर। 3 रंग का सिंदूर मेरी मांग सजा दो आज सखी, सुना है साजन नाच तिरंगा ओढ़ के आने वाले हैं। गाजे बाजे कितने सैनिक, गांव ही पूरा बराती होगा। सुना है सबके सभी, हमको आज मिलाने वाले हैं। 3 रंग का सिंदूर मेरी मांग सजा दो आज सखी। तोड़ो ना इन चूड़ियों को, इन्हें तिरंगी कर डालो। सुना है पल भर के ही लिए, वो इन्हें खनकाने वाले हैं। सुना है पल भर के लिए, बहुत बहुत आभार।